नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। आखिर वो घड़ी आ ही गई जिसका इंतजार बिहार के एनडीए के लोग और साथ साथ विपक्ष के लोग भी कर रहे थे। आपको लगातार हम बता रहे थे कि किस तरह से जदयू और भाजपा के बीच जो लड़ाई है वो विभिन्न मुद्दों पर लगातार जारी है, लेकिन इस लड़ाई के अलावा भाजपा को एक और जगह कहीं ना कहीं लड़ना पड़ रहा है और वो है वीआईपी के साथ। गठबंधन के इस सहयोगी को भाजपा ने अंतिम वक्त में एनडीए में पिछले चुनाव में मौका दिया था, जब मुकेश सहनी ने यह आरोप लगाया था कि तेजस्वी यादव ने उनके पीठ में छुरा घोंप दिया है, तब भाजपा उनके सहयोग में आगे बढ़ी और उन्हें टिकट देकर उनके विधायकों को जिताने का मौका दिया। बाद में चुनाव के बाद 4 विधायक जीतकर आए थे मुकेश सहनी के, जिसमें से एक विधायक जो बोचहा सीट से हैं मुसाफिर पासवान, उनकी मृत्यु हो चुकी है। अब उस जगह पर कहा जा रहा है कि किसी और को मौका देगी वीआईपी, शायद उनके बेटे को चुनाव लड़ाए। लेकिन इस दौरान यूपी के चुनाव की घोषणा हो गई और उत्तर प्रदेश में निषाद समाज के वोट बैंक को साधने के लिए, उस बड़े वोट बैंक को अपने पाले में करने के लिए और कहीं ना कहीं आरक्षण दिलाने के लिए अपने समाज को उत्तर प्रदेश में भी मुकेश सहनी वहां पहुंचे। लेकिन मुकेश सहनी के वहां पहुंचते ही योगी आदित्यनाथ की कुर्सी काफी हिलने लगी, बेचैनी इतनी बढ़ गई भाजपा की कि कहीं ना कहीं मुकेश सहनी को पहले एयरपोर्ट पर डिटेन किया, उसके बाद जो भी बातें हुई आप अच्छे से जानते हैं, कैसे जो प्रतिमाएं हैं पुलन देवी की उनको संरक्षित कर लिया गया और बाद में भाजपा ने खुलेआम धमकी देनी शुरू कर दी कि मुकेश सहनी अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ते हैं तो उन्हें बिहार में इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ताज़ा जो भाजपा का बयान है वो ये है कि उनके विधायकों को उनकी खुद की एमएलसी की कुर्सी और उनके मंत्री की कुर्सी, ये सब कुछ भाजपा छीन सकती है। जो सबसे लेटेस्ट खबर है वो ये है कि उत्तर प्रदेश के बाद अब बिहार में भी एमएलसी चुनाव में वीआईपी को एक भी सीट देने की जो बात है वो भाजपा नहीं कर रही है, मानी भाजपा चाहती है कि एक भी सीट न दी जाए वीआईपी को। इन सब के बीच मुकेश सहनी को लगातार ये धमकी दी जा रही थी कि उनके विधायकों को भाजपा तोड़ लेगी। अब इसी को लेकर एक बड़ी खबर आ गई है, उनके एक विधायक जो साहेबगंज से हैं जिनका नाम है राजू सिंह, उन्होंने कुछ दिनों पहले भी एक बड़ा बयान दिया था, लेकिन इस बार उन्होंने साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया है कि वो मुकेश सहनी के बयानों से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। उन्होंने यहां तक कि जो मुकेश सहनी के बयान लगातार हैं, चाहे गठबंधन को लेकर हो, उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने को हो, या जो भी बयान मुकेश सहनी भाजपा के खिलाफ दे रहे हैं, उन सब पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा है कि लालू यादव की विचारधारा को मानने की बात कहना कहीं ना कहीं मुकेश सहनी द्वारा बगावत करना है, धोखा करना है उस मैंडेट के साथ जो मैंडेट एनडीए को मिला था। आपको बता दें कि मुकेश सहनी ने कुछ दिनों पहले कहा था कि वो लालू यादव की विचारधारा को मानते हैं और तेजस्वी को छोटे भाई के तौर पर मानते हैं, उन्हें परहेज नहीं है तेजस्वी और लालू यादव से। इस पर उनके विधायक इतने विफर गए हैं कि कह रहे हैं कि आज शाम में मिलकर मुकेश सहनी से कोई बड़ा फैसला करेंगे, अपनी बात से उन्हें अवगत कराएंगे और साथ ही साथ ये भी कह दिया कि तेजस्वी और लालू यादव से जो विचारधारा उनकी है उससे इत्तेफाक रखकर मुकेश सहनी गठबंधन दम के साथ भी अन्याय कर रहे हैं, ऐसे में कोई बड़ा फैसला हमें लेना पड़ेगा। बात स्पष्ट है, जो बात कल तक भाजपा कहती आ रही थी कि विधायकों को तोड़ देगी, आज कहीं ना कहीं राजू सिंह के बयान से ये स्पष्ट समझ में आ रहा है कि उनको मोटिवेशन कहां से मिल रहा है। अब आज शाम का इंतजार होगा कि आखिर मुकेश सहनी से उनके जब विधायक मिलते हैं तो क्या होता है इसका निष्कर्ष, क्योंकि विधायक ने जिस तरीके से और जिन शब्दों का प्रयोग किया है कहीं ना कहीं इससे मुकेश सहनी बहुत खुश नहीं होंगे। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।